नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस यानी कि आईसीआईसीआई जीआई के शेयर के बारे में। किस तरीके का रहे क्वार्टर थ्री के नतीजे, मार्केट बंद होने के दौरान नतीजे आ रहे हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट कल के दिन स्टॉक में देखने को मिलेगा। कल के दिन आए थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के नतीजे, आज के दिन आपने देखा कि 5-6% की बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। तो क्या यहाँ पे नतीजे उत्साहजनक है या फिर यहाँ पे भी कल के दिन उसी तरीके की पिटाई होती हुई दिखाई देगी, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर देखने मिल रहे हैं दोस्तों, वो लाख में हम यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। स्टैंड लोन नंबर है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर के। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न की यहाँ पे, तो इस क्वार्टर में जो नेट प्रीमियम आता हुआ दिखाई दिया वो आया लगभग 4,786 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा लगभग 7,508 करोड़ के आसपास का था, तो वहां से आपको प्रीमियम जो है इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और लास्ट ईयर ये नंबर था लगभग 4,111 करोड़ का, तो वहां से भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें इस कंपनी की सारी चीजों को निकाल के प्रॉफिट के नंबर की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट का नंबर देखने मिल रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं खतरनाक टाइप से उतना मजा नहीं आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो आ रहा है 317 करोड़ का। इस क्वार्टर में कंपनी ने जो पोस्ट किया है, लास्ट ईयर था 313 करोड़ का, तो सिर्फ 4 करोड़ जो मुनाफा है वो साल दर साल बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर इसको आप कंपेयर करते पिछले क्वार्टर से, तो आपको यहाँ पे एक लॉस देखने मिलेगा 446 करोड़ के मुकाबले से 317 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने आप पोस्ट किया, तो कहीं ना कहीं 130 करोड़ का जो नेगेटिव जंप है वो यहाँ आपको कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है प्रॉफिट में, और साल दर साल मुश्किल से 1.25% की जो बढ़त है वो आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे उसको इतना बड़ा नंबर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शानदार उतना नंबर नहीं कहा जाएगा जितना यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक एवरेज नंबर देखने मिल रहा है, बिलो एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा नहीं मानेगा। इस क्वार्टर की अगर ईपीएस की भी बात करें, 6.47 रुपए की बेसिक ईपीएस आती हुई दिख रही है। लास्ट ईयर 6.9 की ईपीएस थी, और लास्ट क्वार्टर में ये अगर आप देख रहे हैं 9.11 की ईपीएस जो थी वो आती हुई कहीं ना कहीं दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निराशा जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रही है इसके नतीजों के दम पे। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की, तो लगभग आपको 1423 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आज के दिन यहाँ देखने मिली। 1675 का इसका हाई था और 1295 का लो, तो लो के आसपास से थोड़ा ऊपर चलता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। 4.5 लाख शेयरों के आज के दिन यहाँ पे वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर इसको चार्ट में समझने की कोशिश करें इस स्टॉक को, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पिछले अक्टूबर के महीने से ही लगभग यहाँ सेप्टेम्बर अक्टूबर के आसपास यहाँ हाई लगे थे, और उसके बाद से स्टॉक लगातार करेक्शन में है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं से स्टॉक ने एक रेंज को रेस्पेक्ट करने की कोशिश की, कल 1460 रुपये तक के लेवल लगते हुए दिखाई दिए थे। तो अगर आपकी यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन है, तो यहाँ पे लो जो था वो 20 दिसंबर के आसपास लगता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव लेता हुआ दिखाई दिया था। तो 1340 1330 तक के जो लो थे वो उस दिन आते हुए दिखाई देते थे। तो रिसेंटली यहाँ पे जो करेक्शन आया, स्विंग लो इसका है वो कहीं ना कहीं 1400 के आसपास का है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कल के लिए 1400 रुपये का लेवल। अगर ये स्टॉक 1400 के लेवल के नीचे जाता है, तो आपको ये स्टॉक फिर से एक बार 1330 1340 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट होती है, तो आपको ये लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। अपसाइड में अगर ये स्टॉक वापस इस लेवल को क्रॉस करेगा, जहां पे डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन आपको पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर लगता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 1460 जहां पे ओपन हुआ वहीं से गिरावट आती हुई दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं वो लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जब तक ये स्टॉक उस लेवल को नहीं निकालेगा, फ्रेश तेजी की उम्मीद जो है इस स्टॉक में नहीं है। अगर 1460 निकलेगा तो 1540 तक की हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके के नतीजे हैं, यहाँ पे कोई करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, कल के दिन यहाँ पे गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़े गिरावट की भी उम्मीद करके चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में स्टॉक एक रेंज बाउंड रेंज में रहता हुआ दिख रहा है, ऊपर की तरफ 1600 1650 और नीचे की तरफ 1300 रुपये के आसपास का। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पे। तो नीचे में बायो एंड डिप्स का ही स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न बना के जरूर दिए। डेफिनेटली हम पिछला 1 साल कंसोलिडेशन वाला रहा है, इसके लिए ज्यादा बड़ी रेंज नहीं रही है, तो इसको इस रेंज में खेलने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है।
कि अगर स्टॉक अपने रेंज के निचले तरफ आए तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाई करने की कोशिश करें, और रेंज की अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करती है तो वहां पे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग पोजिशन की कोई राय नहीं है, नतीजों के दम पे आपको दोनों ही साइड वाइड स्विंग्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।